नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। शनिवार को मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन किया गया था, जिसके उद्घाटन सत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था। देश की अर्थव्यवस्था पर बोल रहे सीएम योगी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे AIIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने सीएम योगी पर जोरदार तंज मारते हुए कहा कि पहले किसी विशेषज्ञ से पूछ लें कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। दरअसल वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2019 के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने जब देश की अर्थव्यवस्था का इतिहास बताना शुरू किया, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ ही मुगलों पर भी भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का ठीकरा फोड़ दिया। योगी ने कहा कि मुगल काल शुरू होने से पहले विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी एक तिहाई से ज्यादा यानी 36% के करीब थी और भारत में अंग्रेजों के आगमन तक ये घटकर 20% रह गई। मुगलों के हमले के पहले पूरी दुनिया के अंदर, जिसे आप हिंदू इकोनॉमिक फोरम के रूप में संबोधित कर रहे हैं, यह ताकत दुनिया की कुल ताकत की, कुल आर्थिक ताकत की एक तिहाई से अधिक हिस्से की भागीदार थी और इसका योगदान दुनिया के अंदर 36% से अधिक था। मुगलों के बाद अंग्रेजों, उनके पतन और अंग्रेजों के आगमन तक यह घटकर के 20% तक आया और जो लोग अंग्रेजों को भी बहुत महान मानते हैं, उन्होंने भारत की इस ताकत को कहां पहुंचाया था, केवल 4% तक पहुंचा दिया था। यानी जो वर्ल्ड ट्रेड का भारत का शेयर था, वह अंग्रेजों के यहां से विदा होने तक केवल 4% तक सीमित रह गया था। सीएम योगी ने इसके बाद धर्म निरपेक्ष और उर्दू पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने धर्म कहा तो लोगों ने धर्म निरपेक्ष जोड़ दिया, हमने संस्कृत कहा तो लोगों ने कहा नहीं ये उर्दू है। अब आप अनुमान कर सकते हैं, जब कोई जाति, जब कोई समुदाय अपने स्वयं के स्वत्व को खो देता है, अपने सम्मान को खो देता है, अपने स्वयं के अस्तित्व के साथ जूझ रहा होता है, उसे अपने पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है, तो वह इस प्रकार के अंधकार में भटक करके अपने स्वयं के अस्तित्व से जूझता हुआ दिखाई देता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हुआ। हमने धर्म कहा, लोगों ने धर्म निरपेक्ष को जोड़ दिया। हमने संस्कृत कहा, लोगों ने कहा नहीं ये उर्दू है। हमने हिंदी कहा, लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो अलग अलग भाषाएं हैं, कहीं मराठी कह दिया, कहीं तमिल कह दिया, कहीं पर राजस्थानी कह दिया, कहीं पर भोजपुरी कह दिया, कहीं पर मलयालम कह दिया, कहीं पर किसी और रूप में बांटने का प्रयास हुआ। हमने एक राष्ट्र की बात की तो हमें कह दिया गया नहीं ये तो बहुराष्ट्र है, अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं। इस ताकत को कमजोर करने का प्रयास हुआ और वो संकीर्णताएं जो जगह जगह उभरती गई, हम उसके पीछे अपने स्वार्थ ढूंढते गए। सीएम योगी के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। योगी के बयान पर जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि अपने बयान से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कुछ नहीं जानते, वो किस्मत से यूपी के सीएम बन गए। योगी आदित्यनाथ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही हैज हेट्रेड फॉर एनीथिंग टू डू विद मुस्लिम्स, बट ही, यू कैनॉट चेंज हिस्ट्री, यू कैनॉट चेंज एम्पिरिकल बेस्ड स्टडीज एंड डॉक्यूमेंटेशन व्हिच हैज बीन डन, सो दिस विल कंटिन्यू। यस, आई एक्सेप्ट that when colonization happened, especially during the British's rule, the Indian economy was completely devastated. The British's used all our resources and took it to England, whereas it was the other way around when the Mughals were there. And it is proven by Angus Maddison, it is proven by Dadabhai Nauroji's book, it is proven by R.C. Dutt, Economic History of India. My only point is, what has the BJP done in last 6 years? Why isn't that the BJP is talking about, why is the Indian economy in this stage?
in this way, you know, we are suffering. You take 1,74,000 crores from RBI and you give it to rich people. You reduce corporate tax, again it is a benefit to the rich people. What about unemployment, which is touching 6%? Yogi has no answer, neither BJP has answer. Layoffs are happening, Yogi and BJP has no answer. 10 lakh people are going to be unemployed in auto oil industry, they have no answer. So Yogi Adityanath becomes an economic expert. CM Yogi पर तंज मारते हुए ओवैसी ने कहा कि योगी को किसी भी विषय की जानकारी नहीं है, उन्हें किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वे किस्मत से CM बन गए हैं। उन्होंने बयान से साफ कर दिया कि वो कुछ नहीं जानते। जहांगीर औरंगजेब के समय भी निर्यात होता था। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि बीजेपी ने 6 साल में अब तक क्या किया है? बेरोजगारी और 5% की जीडीपी पर उनका क्या विचार है? ओवैसी ने सीएम योगी को 3 किताबें पढ़ने का सुझाव देते हुए कहा कि सीएम को ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंस मेडिसन, भारतीय लेखक रमेश चंद्र दत्त और अमेरिकी इतिहासकार और दार्शनिक विल ड्यूरेंट की किताब पढ़नी चाहिए। अगर सीएम ने तारीख पढ़ी होती तो उन्हें मालूम होता कि मुगलों के दौर में भारत का योगदान दुनिया की जीडीपी में 25% था। मैं अपील करता हूं कि उन्हें अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्हें ऐसी किसी भी चीज से नफरत है जिसका मुसलमानों से कोई लेना देना होता है, लेकिन आप इतिहास या तथ्यों को नहीं बदल सकते। बीजेपी और मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक ओवैसी ने इससे पहले पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहने पर भी जोरदार तंज कसा था। इस बार तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाने पर लेते हुए उन्हें जाहिल बता दिया था और कहा था कि मोदी फादर ऑफ इंडिया नहीं है और ट्रंप को हिंदुस्तान और महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं पता है। जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट हैं, उनमें सब आप अध्ययन कर रहे हैं। कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके माँ बाप प्रतिदिन आपके पास नहीं रह सकते कि राज्य के स्तर पर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके साथ संवाद बना करके अगर कोई लोकल इश्यूज हैं, आपके सामने कोई समस्या है, उस समस्या का वह समाधान करें और आपको सुरक्षा भी उपलब्ध कराएं, अपने स्तर पर जो भी संभव सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में योगदान करें, क्योंकि अंततः राज्य हमारे अलग अलग हो सकते हैं, धर्म मत मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सब अंततः हैं हमारे बच्चे, इसलिए आपको स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए मैंने पहले भी निर्देश जारी किए थे और मैं पिछले कई महीनों से इस बारे में सोच रहा था कि हम लोग इस संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके, लेकिन मेरी स्वयं की व्यस्तता, उत्तर प्रदेश की आबादी अपने आप में बहुत बड़ी आबादी है, 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ आबादी के हितों का संरक्षण करना, उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य करना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर बना करके प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी मिल सके, इस दृष्टि से एक अभियान को आगे बढ़ा करके रुकी हुई विकास की दर को फिर से स्थापित करते हुए हम उत्तर प्रदेश को जहां विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाए। विगत 2.5 वर्ष के अंदर हमने इसमें से काफी चीजें अचीव की हैं और एक अच्छी दिशा में उत्तर प्रदेश को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। मेरे पास अवसर प्राप्त हुआ था, इसलिए मैंने अब
उन सभी लोगों के साथ संवाद स्थापित बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है और आज मुझे प्रसन्नता है कि ये संवाद की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अपने छात्र छात्राओं के साथ मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूँ। देखिए हम सब अपनी बात को मेरे सामने बहुत शालीनता के साथ अपनी बात को रखने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य के स्तर पर आपके गार्जियन के रूप में ये भूमिका मेरे पास है और मुझे भूमिका को देखना है कि आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। आपके पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जिसको बोलने में अक्सर आप संकोच करते होंगे। ये केवल आप ही के लिए नहीं, ये हमारे साथ भी होता है। आपकी जगह मैं होता, मेरे सामने भी संकोच होता। मैंने अभी हाल ही में, आपने देखा होगा, इसी महीने मैंने 3 चरणों में आयन लखनऊ के साथ अपने पूरे मंत्रिमंडल को बिठाया। मंत्रिमंडल को बिठाने के साथ ही अपने जितने भी हमारे चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एचओडी थे, इन सबको मैंने आयन के साथ बिठाया। बिठाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि बहुत सारी समस्याएं संवादहीनता के कारण पैदा होती हैं, हम संवाद स्थापित कर सकें। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी हम लोगों ने ये संवाद जब बनाया तो ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ही आप देखेंगे बहुत अच्छे लक्ष्यों को हमने वहां प्राप्त किया। केवल 3 सीटिंग हमारी आयन के साथ हुई है लखनऊ में।